आपके साथ शिवांगी शुक्ला और आपका स्वागत है फिल्मी अड्डा के स्पेशल प्रोग्राम में। कल यानी कि 2 अक्टूबर के दिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक अभियान के दौरान एक शो में पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने केबीसी के कंवर स्पेशल एपिसोड में अपने एक डर का जिक्र किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि महानायक को कौन सा डर सता रहा है, तो आज बताएंगे कि उन्होंने किस डर का जिक्र किया। देखिए इस रिपोर्ट में। अमिताभ जी, मैं आपका हमनाम बोल रहा हूँ। अभी आपने बात की थी कि कैसे ये बंकर्स बन रहे हैं जो प्लास्टिक वेस्ट से है, सड़कें बन सकती हैं क्या इससे? देखिए कई चीज़ें, करीब मैंने तो अभी एक एग्जीबिशन में देखा, करीब 4000 प्रोडक्ट्स प्लास्टिक वेस्ट से बने हैं और सारे के सारे रिसाइकल किए गए हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रिसाइकल नहीं हो सकती। और मैंने ना केवल ये देखा कि पेवमेंट के ब्रिक्स बन रहे हैं, ना केवल आर्मी इसको उपयोग कर रही है, ना केवल हम रोड मेकिंग में इसको उपयोग कर रहे हैं, बल्कि सीमेंट किल्न में प्लास्टिक उपयोग हो सकता है। और जो सबसे जरूरी चीज मेरे विचार से, जो आपने प्रश्न पूछा कि मैं इंदौर भी गया और मैं छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर गया, जहां से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और ये दोनों जगह मैंने देखा कि हाउसहोल्ड सेग्रीगेशन और हाउसहोल्ड कलेक्शन हुआ है। और इससे क्या हुआ कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सारा आया और सारे दुकानदारों ने प्लास्टिक को सेग्रीगेट किया, और जब सेग्रीगेट करके म्युनिसिपैलिटी ने उसको उपयोग करके पैलेट्स बनाए, और पैलेट्स जब बन गए तो उसको उन्होंने बेचा और म्युनिसिपैलिटी ने उससे अर्निंग की, एक बिजनेस मॉडल बनाया। और मेरे विचार से ये जितना भी हम मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, ये जन आंदोलन और बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के और बिना हाउसहोल्ड सेग्रीगेशन और हाउसहोल्ड कलेक्शन के बिना नहीं होगा। और दोनों जगह, अंबिकापुर में और इंदौर में, जो खासियत थी कि एनजीओ का बहुत बड़ा रोल था, और अंबिकापुर में सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत ही बड़ा रोल था इन सब चीजों में। और इसीलिए इन दोनों जगहों, इन दोनों शहरों में एक बहुत बड़ी सफाई की क्रांति आई है, और सफाई की क्रांति की वजह से वहां पर आप हर एरिया न्यूट्रिशन में देखिएगा इंप्रूवमेंट हुआ है, बच्चों के एनेमिया में इंप्रूवमेंट हुआ है, और पढ़ाई में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ऑलराउंड इंप्रूवमेंट हुआ है सफाई के कारण। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमारा जो केबीसी कार्यक्रम है उसमें हम एक कर्मवीर कार्यक्रम करते हैं, जिसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया हो। हमने वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनसे बात की, और यही वजह है कि इंदौर शहर जो है 3 साल लगातार द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द सिविलियन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड, और उसकी खास वजह यही थी कि उन्होंने प्लास्टिक को एकदम बर्बादी कर दिया, निकाल दिया उन्होंने। जो आपने बताया कि किस तरह से वो सेग्रीगेशन हो रहा है, वहाँ पर बसेस जो है इंदौर में वो बायोगैस से चल रही हैं, बहुत ही उमदा कार्यक्रम उन्होंने किया है वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इंदौर द बिगेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू द फादर ऑफ द नेशन इज इफ वी कैन रेप्लिकेट द इंदौर मॉडल इन एवरी म्युनिसिपैलिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज व्हाट इट इंदौर मॉडल शोज इज दैट द गवर्नमेंट, द म्युनिसिपैलिटी एंड द पीपल वर्क टुगेदर, एंड देयरफॉर नॉट ओनली डिड दे सेग्रीगेट एट हाउसहोल्ड लेवल, नॉट ओनली डिड द एनजीओ गेट इन्वॉल्व, not only were big fines imposed on those who were violating laws, but biomethane was used for running buses, as you said, Mr. Bachchan, and you are very correct that Indore is a great role model which needs to be replicated, and a business model was created, a big business model was created out of waste, and therefore my conviction is that this movement which is now being led by you can become the biggest job creator. It can be a big multiplier to our economy. Mr. Kant, on that note, this is encouraging. I would say from Indore to India, let's create something that you can get rid of plastic. Mr. Kant actually mentioned 4 very important things. Yeah. But the point really is that what Mr. Kant was saying was that, you know, there was the entire cooperation of the government and the bureaucracy. It is the commissioner of Indore, Venkatiji.
उनको हमने आमंत्रित किया था एंड वी एक्चुअली सेलिब्रेटेड हिम बिकॉज ही वाज द वन सिंगल माइंड द ब्यूरोक्रेट द कमिश्नर हु पुश्ड दिस स्कीम थ्रू एंड मेड दिस सिटी यू नो मेक दिस अ नेशन. The earth provides enough to satisfy every man's need, but not enough to satisfy every man's greed. I think this statement highlights the fact that hamara swasth, hamari jo well-being hai, hamari pragati, har cheez agar hum personal level ke bare mein bhi soche, to wo environment, paryavaran se juda hua hai. Hum apne paryavaran ko swasth rakhenge, to hum khud swasth rahenge. सिंगल यूज़ प्लास्टिक ने हमारे पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रदूषित किया हुआ है. हम सब जानते हैं, आप तो हमारे बीच क्लीनअप के यू नो मूवमेंट्स के हिस्सा बने हैं. हमारी एयर पोल्यूशन की जितनी भी हमने मूवमेंट्स की हैं उसके बारे में बात करने के लिए आप उसके भी हिस्सा बने हैं. और आप अब तक तो ये जान चुके हैं कि प्लास्टिक वेस्ट के वजह से जो पर्यावरण पे बहुत बुरी तरह से प्रदूषण फैला जा रहा है और उस प्रदूषण के वजह से कैसे हमारे बच्चे बड़े बुज़ुर्ग और हम सब बीमार हो रहे हैं. उस पर रोक लगाने के लिए हम सबको तीन चीज़ें करनी होगी. एक, जो अपने खुद का व्यवहार है वो बदलना पड़ेगा प्लास्टिक की ओर. तो ये जो कल्चर ऑफ यूज़ एंड थ्रो है, बिना सोचे हम कुछ भी खाते हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो कम करना पड़ेगा उस कंजम्पशन को. और ये इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि ये कौन से आइटम्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो हम पूरी तरह से उपयोग करना बंद कर सकते हैं. प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक स्ट्रॉज, प्लास्टिक कटलरी, कप्स, स्पून्स, प्लेट्स. और तीसरा आइटम है प्लास्टिक बॉटल्स. हम खुद का बॉटल लेके घर से निकल सकते हैं, जैसे मैं खुद निकलती हूँ. हम खुद के घर से अपने कपड़े की थैली या बैम्बू की थैली लेकर निकल सकते हैं. हम सबके पास आजकल बैकपैक्स होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं, उसमें बड़े आसानी से हम एक कपड़े का बैग मोड़ के रख सकते हैं और दुकानदार से कह सकते हैं कि हमको प्लास्टिक की थैली मत दो. तीसरा आइटम बहुत आसानी से जो हम ना कर सकते हैं वो है प्लास्टिक की स्ट्रॉ. अपना ड्रिंक ऑर्डर करने से पहले आप प्लीज़ सर्वर से कह दीजिए कि प्लीज़ हमें प्लास्टिक है. एंड स्पेशली आजकल जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं, डेफिनेटली हम भगवान की भक्ति के लिए उन्हें ग्लोरीफाई करने के लिए मनाते हैं, लेकिन अगर हम फेस्टिवल्स मनाते वक्त भगवान की सृष्टि का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. इसलिए उसका डेफिनेटली मैं ध्यान रखना चाहूँगी. गांधी जयंती के अवसर पर एक ऐसा कोई चीज़ जो उनका आपने अडैप्ट किया है इन लाइफ गांधी जी. एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा किस्सा सुना था कि एक लेडी उनके पास आई थी अपने बेटे की सिगरेट छुड़वाने के लिए. और उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम एक महीने बाद मेरे पास आना. एंड देन ही सेड कि जब वो एक महीने बाद आई लेडी, तब उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे बेटे को कहूँगा छोड़ने के लिए. तो उन्होंने कहा आपने एक महीने का वक्त क्यों लिया. तो उन्होंने कहा जो आदत मैं खुद में मिटा नहीं पा रहा हूँ उसके लिए मैं किसी और को सलाह कैसे दे सकता हूँ. सो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अपॉन अ चेंज, फर्स्ट ब्रिंग इट इन योरसेल्फ एंड देन यू कैन इजीली चेंज द वर्ल्ड. आई थिंक 15 दिन में एक नया गाना आने वाला है. रियली एक्साइटेड. अभी एक मुलाकात की सक्सेस ही सेलिब्रेट कर रही हूँ. सो बहुत अच्छा लाइनअप है इस साल का. आई होप आप सबको गाने पसंद आए आने वाले. स्वस्थ बनेगा भारत टुडे. एंड या आई थिंक स्वस्थता और स्वच्छता सब इंटरलिंक्ड है. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट NDTV इज़ डूइंग दिस इनिशिएटिव. आई थिंक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्लेनलीनेस अगर होगी, स्वच्छ होगा, हमारे टॉयलेट्स क्लीन होंगे, ओपन डेफिकेशन नहीं होगा, तभी आई थिंक वील ऑल स्टे हेल्दी एंड रिमेन हेल्दी. न्यूट्रिशनल चीज़ें खाना, न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन को कैसे फाइट करना है, when a mother is expecting and you know is about to deliver, uski health ka khayal rakhna, bacche ki health ka khayal rakhna. I think 1/3 of the malnourished population, world's population, is somewhere in India, and it's a big topic. I feel I'm very very happy that NDTV had me here to talk about it, to discuss this whole thing. You know, from basic sanitation, hand washing kitna important hai, to what we're eating, if we're eating right, to just keeping our environment clean. And today is the best day to sort of talk about it. तो देखा आपने कि सदी के महानायक को भी एक ऐसा डर है कि वो सता रहा है, और इसके साथ साथ वो
पर्यावरण को लेके कितना एक्टिव है, उसके परेशानियों को समझते हैं और हमेशा उसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं, लोगों के सामने उसके व्यूज़ को देते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी अमिताभ बच्चन काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उनका यही खास अंदाज फैंस को काफ़ी पसंद आता है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।